के साथ शुरुआत होगी, तो यहाँ पे पूरा नाम जो आपके पैन कार्ड में है वो देना है। इसके बाद जो ईमेल आईडी है वो देकर नेक्स्ट के बटन पे टैप करना है। इसके बाद एक बार फिर से आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो आपने चीजें दी हैं जैसे पैन कार्ड नंबर, पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ, अगर ये सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, तो येस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगला स्टेप आएगा आई थिंक केवाईसी वेरिफिकेशन, जहां तक मुझे लगता है। इस कड़ी में मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो पैन कार्ड के साथ साथ है इनकम प्रूफ की डिटेल्स। दोस्तों बहुत स्वागत है आपका लोन पाओ यूट्यूब चैनल में, और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के बारे में। लैंडिंग प्लेटफॉर्म मैंने पहले इसलिए कहा क्योंकि ज्यादातर एप्लीकेशन जो आज लोन देने का काम कर रही हैं या मान लो बहुत पुराने समय से भी काम कर रही हैं, उनके कहीं ना कहीं लैंडिंग पार्टनर्स ये पहले जो जिस एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ ये कभी ना कभी मे बी रह चुके हैं, जितना मैंने ध्यान दिया हुआ है। तो आज इनकी खुद की इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जिससे आप जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो, यानी कि इनकी खुद की एप्लीकेशन से ही आप आज लोन लेने वाले हो। और जाहिर है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म ऑलरेडी जब किसी दूसरे लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन देने का काम कर रही होगी, तो जब वो खुद की एप्लीकेशन पे कस्टमर्स अगर जाएंगे लोन लेने के लिए तो उनको क्यों नहीं देगी, जरूर देगी। तो इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है जिसमें आपको सारी जानकारी मिले कि लोन को कैसे अप्लाई करना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप सीधा सीधा लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको ज्यादा ही दस्तावेजें चाहिए, नहीं, बहुत कम डॉक्यूमेंट्स में काम बन जाएगा, जितने से होता है उतने से ही काम बन जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम उस लोन एप्लीकेशन से लोन को अप्लाई कैसे करेंगे उसी के बारे में बात करेंगे, एंड देन इसके बाद हम ये बात करेंगे कि आप लोग उस एप्लीकेशन को कैसे अपने फोन में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जिस एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है आपके सामने राम फिनकॉर्प ऐप। सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और गेट स्टार्टेड के बटन पे टिक करेंगे। देखो मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि जो साइनअप करने का प्रोसेस है ना वो सब आप खुद ही कंप्लीट कर लिया करो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट परमिशन वगैरह देके आगे बढ़ के जो ये साइनअप करने का प्रोसेस है, मुझे लगता है कि ये वैसे सबसे आसान काम है। इस चीज को बताने में भी मुझे इसलिए थोड़ा टाइम जाता है क्योंकि मुझे लगता है कि शुरू से बताया जाए, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको साइनअप करना आता ही होगा, तो ये सब आप वैसे खुद ही कर लिया करो। खैर यहाँ पे आपको सिंपली परमिशंस को अलाउ कर देना होगा बॉक्स पे क्लिक करके। अब आपको क्योंकि अगर आपका ऑलरेडी मोबाइल नंबर से लॉगिन है तो लॉगिन भी कर सकते हो, अगर आप एक न्यू हो तो याद रहे कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक हो, या आपको और बेहतर एक्सपीरियंस करने के लिए फायदेमंद होगा। तो मोबाइल नंबर डाल के सिंपली गेट ओटीपी पे जाना है, ओटीपी आपको वेरीफाई करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद जो भी आपने अपना बेसिक डिटेल्स में नाम वगैरह डाला होगा वो आपका हाई करके नाम भी शो कर जाएगा मे बी। इसके बाद सबसे पहले देखेंगे आपकी तीन स्टेप्स में आपको लोन मिलेगा, केवाईसी कंप्लीट करके पर्सनल डिटेल्स डाल के, और सीधा पैसा आपके बैंक खाते तक आ जाएगा। तो आपको सबसे आसान तरीका है गेट योर कैश पे जाना है। कैश पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको तीन स्टेप मिलेंगे, जैसे कि आपको अपनी डिटेल्स को प्रोसेस करना है, फिल करना है और पैसा सीधा बैंक खाते में। तो गेट ऑफर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी के साथ शुरुआत होगी, तो यहाँ पे पूरा नाम जो आपके पैन कार्ड में है वो देना है। इसके बाद जो ईमेल आईडी है वो देकर नेक्स्ट के बटन पे टैप करना है। इसके बाद एक बार फिर से आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो आपने चीजें दी हैं जैसे पैन कार्ड नंबर, पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ, अगर ये सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, तो यस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगला स्टेप आएगा आई थिंक केवाईसी वेरिफिकेशन, जहां तक मुझे लगता है। इस कड़ी में मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो पैन कार्ड के साथ साथ होता है इनकम प्रूफ की डिटेल्स के साथ ही जो है, अगर ऐसा मैं सही हूं तो इनकम प्रूफ रिलेटेड कि आप कौन से एम्प्लॉयमेंट टाइप में जुड़े हो, फिर आपकी मंथली इनकम कितनी है, और शायद बैंक स्टेटमेंट हो जैसी वगैरह जो चीजें हैं पहले ले ली जाती होगी। इसके बाद आपको लोन का ऑफर मिलेगा और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद वेरिफिकेशन थ्रू आधार होगा, जहां तक मुझे लगता है, लेकिन जैसा भी प्रोसेस है खैर कंप्लीट कर रहे हैं। तो वेरीफाई आधार ओटीपी पे जाएंगे, सबसे फास्टर प्रोसेस यही है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर डाल के आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी सेल्फी देनी है, सेल्फी दे देने के बाद आपको लोन अमाउंट डालना है। देखो यहीं पे पता चलता है कि आपको कितने रुपए का लोन मिल सकता है, तो यहाँ पे अपना अमाउंट डाल देना है लोन का। तो मुझे पहले देखो ज्यादातर एप्लीकेशन के अंदर वही होता है जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पैन कार्ड के साथ साथ इनकम डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स वगैरह जानकारी देनी पड़ती है, उसके बिहाफ पे मिलता है। लेकिन कुछ एप्लीकेशन में ये चीज आगे पीछे होती है, असेंडिंग डिसेंडिंग होती है, तो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा था। खैर जेंडर चूज करना है, इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको बतानी है कि आप शादीशुदा हो या सिंगल हो, इसके बाद आप कितने पढ़े लिखे हो, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो आ गई कि सैलरीड बेसिस पे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो वो बताना है, इसके बाद आपका पेमेंट यानी कि पैसा किस माध्यम से आप तक आता है, इसके बाद आपकी कंपनी नेम, इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी कंपनी नेम क्या है, इसके बाद वो एक बार आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा, इस बार मोबाइल नंबर पे नहीं ईमेल पे ओटीपी आएगा, वो डाल के वेरीफाई कर लेना है। फिर इंडस्ट्री टाइप बतानी है, इसके बाद डेजिग्नेशन किस पोस्ट पर है, इसके बाद मंथली इनकम बतानी है, और अब नेक्स्ट के बटन पे टैप करना है। फिर वर्किंग एक्सपीरियंस बताकर आपकी जो मंथली किस
मंथली इनकम किस तारीख को आपके बैंक में आ जाती है, या उसको सैलरी तारीख भी आप कह सकते हो। इसके बाद आप जिस घर में रहते हो, खुद का घर है या रेंट पे रहते हो, कंफर्म करना है अपने एड्रेस को। इसके बाद लैंडमार्क, ये सारी जो आपका है सिटी स्टेट ये सब बताकर नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद अपना बैंक चूज करना है। मुझे लगता है अब ये बैंक स्टेटमेंट के लिए मांगा जा रहा है, वो बैंक चूज करके आपको यहाँ पे थ्रू द आरबीआई रेगुलेटेड, सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है ये, इस पे क्लिक करेंगे और जिस जो बैंक आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा वो बैंक आई थिंक चूज करिए, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके ये आपका काम हो चुका है। अब इसके आधार पे मे बी आपको लोन मिलेगा, जो वेरीफाई बैंक डिटेल्स हो चुका है और लिखा है कांग्रेचुलेशन योर है लोन हैज सक्सेसफुली अप्रूव्ड। तो मुझे लगता है इस बीच में ही आपने अपना लोन अमाउंट चूज कर लिया होगा, एंड उसके बाद जिस टाइमलाइन के लिए चूज किया होगा उस बीच में मुझे लगता है कि एक चीज रह गई है जो है ऑटो डेबिट सेटअप। एंड ऑटो डेबिट सेटअप मतलब ये होता है कि हर महीने जो आपका लोन का पैसा है वो ऑटोमेटिक उस बैंक से कट जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जिस बैंक में आपको पैसा मंगवाना है वो शायद वही होगा जहां तक रहता है, और एग्रीमेंट साइन का, लोन एग्रीमेंट का। तो ये सारी चीज आने के बाद जिस जितने समय के लिए जितना भी लोन आपने चूज किया मिल जाएगा। हालांकि ये जो अमाउंट देख रहे हो ये डेमो बेसिस पे अमाउंट है, लेकिन मकसद यही था कि इस वीडियो में आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई लोन आपको मिलता है और राम फिनकॉर्प ऐप से सक्सेसफुली लोन मिलता है। तो जिन भी लोगों ने कभी भी राम फिनकॉर्प ऐप से कभी लोन नहीं लिया था वो इस वीडियो को देखने के बाद समझ चुके होंगे कि बड़ी ही आसानी से यहाँ पे लोन मिल जाता है और मिल भी सकता है, आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। हाँ, कुछ इमेजेस आपको दिखाने में शायद नहीं दिखा पाया हूँ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, और कोई चीज अगर आगे पीछे हो गई तो प्लीज मैनेज कर लेना। बाकी शुरू करते हैं कि एप्लीकेशन को अपने फोन में कैसे पाएंगे आप लोग। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना अगर वीडियो के प्रॉपर प्रोसेस आपको पसंद आ गए तो। एंड जैसे वीडियो का टाइटल है, जैसे इसी वीडियो के टाइटल पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लेगा, जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट लिंक मिलेगी। सबसे पहले आपको इस पे करना है क्लिक। क्लिक करते ही पहुंचोगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तमाम तरीके की कैटेगरीज हैं जिसमें आपको ऐप लोन पे जाना है, क्योंकि अभी आपने एक एप्लीकेशन से ही तो लोन अप्लाई किया है। तो आपको ऐप लोन पे जाने के बाद सर्च पे जाकर जिस ऐप से हमने लोन लिया है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, जो कि था राम फिनकॉर्प ऐप। उसके बाद हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा कि भैया राम फिनकॉर्प ऐप से पर्सनल फाइनेंस लोन कैसे लेंगे, इस एप्लीकेशन से लोन कितने मिनट में मिल जाएगा, कितने समय के लिए, किस ब्याज पे, कितनी एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए और क्या फायदे होंगे, जैसी तमाम जानकारी आपको आर्टिकल के अंदर मिल जाएगा। तो पूरा पढ़ लेना, इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। जहां तक बात रहती है एप्लीकेशन को कैसे पाएंगे, तो विजिट का लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करके थ्रू द प्ले स्टोर डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेना इस एप्लीकेशन को। और उसके बाद जो लोन अप्लाई करने का प्रोसेस है वो तो मैंने आपको खैर बता ही दिया है। तो आशा करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। कोई भी डाउट हो कॉमेंट बॉक्स में लिख के बिंदास पूछिए।